हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के कंपटीशन के युग में एक अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान से उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनको करने से नौकरी मिलने के योग खुल जाते हैं। यह उपाय पुरानी मान्यताओं और ज्योतिष पर आधारित हैं और इनका मॉडर्न साइंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भगवान पर श्रद्धा रखकर ये उपाय करते हैं तो आपको जल्दी ही एक अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। सबसे पहला उपाय है हर रोज़ सुबह पक्षियों को सतनाजा डालना। सतनाजा 7 तरह के अनाज को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे आप पक्षियों को अपने घर के आसपास किसी भी खुली जगह पर डाल सकते हैं। ज्योतिष में नौकरी का संबंध शनि देव से है और अगर हम हर शनिवार को ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं और इस तरह से शनि देव की पूजा करते हैं तो नौकरी के जो योग हैं वो खुलने लगते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए और अपने घर में संजीवनी बूटी लेकर उड़ते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर लगाई जाए। ऐसा करने से नौकरी से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य पर जाते समय घर से दही और चीनी खाकर ही जाना चाहिए। तो जब भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो दही और चीनी खाकर ही निकलें। घर से बाहर कदम रखते समय अपने राइट पैर को पहले बाहर निकालें और यह भी एक बहुत शुभ जो है कार्य माना जाता है। ऐसा करने से भी नौकरी की इंटरव्यू में सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू वाले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाने से भी शुभ परिणाम मिलते हैं। इंटरव्यू वाले दिन गाय को गुड़, चना या फिर आटे के पेड़े में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाने से भी नौकरी मिलने के चांस बढ़ते हैं। और इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने घर पर बने मंदिर में धूप और घी का दीपक जलाएं और भगवान से इंटरव्यू में सक्सेस की प्रार्थना कर कर ही घर से निकलें। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही आसान से उपाय थे जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इन उपायों को करने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। तो इन उपायों को कर अगर आपको नौकरी मिलने में कोई परेशानी आ रही है या नौकरी में प्रमोशन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।